असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर कल बड़ी हिंसा हुई है। इस हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस हिंसा को लेकर अब विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। असम में बीजेपी की सरकार है, जबकि मिजोरम में बीजेपी नीत पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन NDA में शामिल मिजो नेशनल फ्रंट MNF की सरकार है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को लेकर अमित शाह पर तंज कसा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मिजोरम असम सीमा पर अचानक हिंसा इतनी बढ़ गई कि असम पुलिस के 6 कर्मी शहीद हो गए और कई लोग घायल। 24-25 जुलाई की बात है, वजीर दाखला ने नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे थे। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? बता दें कि अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में सीमा विवादों को सुलझाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, जिसके 2 दिन बाद यह घटना सामने आई। घटना के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के साथ टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे अंतर्राज्य सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा। गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृहमंत्री को आश्वासन दिया है कि शांति सुनिश्चित करने और सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।